हेलो एंड वेलकम बैक वंस अगेन टू योर ओन चैनल ज्यूडिशियस। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के बारे में हम डिस्कस करेंगे इस सेशन में, और प्राइमरीली हम कवर करेंगे स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज का एक इंट्रोडक्शन, फिर कहां पर इसकी लोकेशन होनी चाहिए उसके बारे में थोड़ा डिस्कशन, और फिर क्रिजलर फिएट का एग्जाम्पल देकर ये सेशन वाइंड अप कर देंगे। फिर नेक्स्ट जो इस लेक्चर की सीरीज होंगी उसमें स्टेप्स देखेंगे स्मॉल इंडस्ट्री को स्टार्ट करने के, क्या क्या इंसेंटिव्स और सब्सिडीज अवेलेबल हैं फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर द स्मॉल इंडस्ट्री, उसके बारे में थोड़ा डिस्कशन करेंगे सब्सिक्वेंट लेक्चर्स में। एक्सपोर्ट पॉसिबिलिटीज क्या है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के अंदर, फिर क्या गवर्नमेंट की पॉलिसीज हैं रिगार्डिंग SSI, और फिर क्या प्रॉब्लम्स फेस करी जाती हैं। तो स्टार्ट करेंगे, सेशन की शुरुआत करेंगे विद दिस डिस्कशन अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। अगर हम अपनी कंट्री की बात करें तो हमारी जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हैं वो हमारे टोटल ओवरऑल इंडस्ट्रीज का 95% कंट्रीब्यूशन स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज का होता है। हमारी कंट्री के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में 40% वैल्यू एडिशन स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के थ्रू होता है। हमारे कंट्री में मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड जो एम्प्लॉयमेंट है वो करीब 80% स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज से आता है, और हम जितने भी एक्सपोर्ट करते हैं, हमारी कंट्री जितने भी प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट करती है उसमें से 35% कॉन्ट्रीब्यूट करता है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। तो ये बात तो समझ में आ गई कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को स्टार्ट करना एक प्रॉफिटेबल बिजनेस आइडिया बिल्कुल है, क्योंकि इसके कई सारे फायदे हैं जो एंटरप्रेन्योर को मिलते हैं, प्लस जो कंट्री की इकोनॉमी है उसको भी इससे फायदा मिलता है। हालांकि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज एक लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री है, मतलब लेबर पर ज्यादा डिपेंडेंट है इंडस्ट्री, मगर फिर भी यहां पर कम कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है इसको स्टार्ट करने के लिए, तो ये एक ल्यूक्रेटिव ऑफर हो सकता है यंग बडिंग एंटरप्रेन्योर्स के लिए। ये जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज है ये वन टाइम इन्वेस्टमेंट करती है मशीनरी प्लांट और इक्विपमेंट के अंदर, जिसका की टोटल अमाउंट जो है वो 10 करोड़ से ऊपर नहीं होता इस इन्वेस्टमेंट का, और इन स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज का एनुअल टर्नओवर 50 करोड़ के ऊपर नहीं है। तो जितने भी एंटरप्रेन्योर्स हैं जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को स्टार्ट करने की सोच रहे हैं, उनको ये कुछ एस्पेक्ट जरूर कंसिडर करने चाहिए बिफोर दे एक्चुअली गो एंड स्टार्ट अ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। पहला, सिलेक्शन ऑफ प्रोडक्ट्स, दूसरा लोकेशन ऑफ एंटरप्राइज, तीसरा डिसाइडिंग द ऑर्गेनाइजेशन पैटर्न, फिर प्रोजेक्ट अप्रेजल, और लास्ट रजिस्ट्रेशन विद द अथॉरिटीज। बात करें पहले पॉइंट की, सिलेक्शन ऑफ प्रोडक्ट, तो मार्केट रिसर्च कर ये डिसाइड करा जा सकता है कि कौन सा प्रोडक्ट हम स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के थ्रू मैन्युफैक्चर करना चाहते हैं। आइडियली एक ऐसा प्रोडक्ट चूज करना चाहिए जिसका मार्केट पोटेंशियल अच्छा हो और उसकी प्रॉफिटेबिलिटी भी ज्यादा हो। मार्केट रिसर्च करते टाइम ये 6 फैक्टर को ध्यान में रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। पहला, ऐसा प्रोडक्ट चूज करें जिसका कॉम्पिटिशन अगर नहीं है तो बेस्ट है, या फिर अगर है भी तो कम होना चाहिए। वो प्रोडक्ट इनोवेटिव होना चाहिए, उसको प्रोड्यूस करने के लिए जो रॉ मटेरियल्स चाहिए वो इजीली अवेलेबल हो, गवर्नमेंट पॉलिसीज इस प्रोडक्ट के बारे में क्लियर होनी चाहिए, प्लस ये प्रोडक्ट मार्केट में इजीली एक्सेसिबल हो और हमारे बजट के अंदर इसकी मैन्युफैक्चरिंग हो सके। पॉइंट नंबर 2, एंटरप्राइज की लोकेशन। जब भी हम कोई इंडस्ट्री की लोकेशन डिसाइड करते हैं तो हमें ये कुछ पॉइंट्स ध्यान में रखने चाहिए। पहला, रॉ मटेरियल वहां पर आसानी से अवेलेबल हो, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट चाहे वो रॉ मटेरियल की हो चाहे फिनिश्ड गुड्स की हो वो कम रहनी चाहिए, और वहां पर उस जगह पर लैंड की अवेलेबिलिटी कम रेट में होनी चाहिए। इंडिया के अंदर गवर्नमेंट कुछ ऐसे इंडस्ट्रियल एस्टेट्स प्रोवाइड करती है जहां पर पहले से ही बने हुए फैक्ट्री शेड्स होते हैं, डेवलप्ड प्लॉट्स होते हैं, सिर्फ खासतौर से स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के डेवलपमेंट के लिए। पॉइंट नंबर 3, डिसाइडिंग द ऑर्गेनाइजेशन पैटर्न। 3 तरह की ओनरशिप होती है किसी भी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के ओनर्स जिसमें ऑपरेट करते हैं। पहला प्रोप्राइटरी, दूसरा पार्टनरशिप, और तीसरा कंपनी। प्रोप्राइटरी वो सारी राइट्स को डिस्क्राइब करती है जो किसी प्रॉपर्टी के ओनर की राइट्स होती है, चाहे वो उसके प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग को लेकर हो या फिर मार्केटिंग को लेकर हो, ये सारे एक्सक्लूसिव राइट्स होते हैं उस प्रॉपर्टी के ओनर के पास। दूसरा है पार्टनरशिप, ये एक एसोसिएशन होता है 2 या 2 से ज्यादा लोगों का, जितने भी पार्टनर्स हैं वो इन्वेस्ट करते हैं इस पार्टनरशिप के अंदर अपना पैसा और बिजनेस को एक जॉइंट वेंचर की तरह चलाते हैं, जहां पर वो सारे प्रॉफिट, सारे लॉस, सारे रिस्क शेयर करते हैं और कैपिटल और मैनेजरियल स्किल्स को कंबाइन करते हैं आपस में एक दूसरे के बेनिफिट के लिए। और तीसरा ऑर्गेनाइजेशन पैटर्न होता है कंपनी, जो हम सभी जानते हैं एक सेपरेट लीगल एंटिटी होती है जिसके एसेट्स और लायबिलिटीज उस कंपनी के ओनर के एसेट्स और लायबिलिटीज से अलग होते हैं। तो अब ये आपको डिसाइड करना है कि किस तरीके की ओनरशिप आप अपने बिजनेस में लाना चाहते हैं, चाहे वो प्रोप्राइटरी हो, चाहे पार्टनरशिप या फिर कंपनी। नेक्स्ट पॉइंट इज प्रोजेक्ट अप्रेजल। प्रोजेक्ट अप्रेजल का मतलब है जो भी स्कीम या प्रोजेक्ट
प्रिपेयर किया जा रहा है उसका एनालिसिस हो, और ये एनालिसिस तीन एस्पेक्ट पर होता है। पहला इकोनॉमिक एस्पेक्ट यानी कि मनी रिलेटेड एस्पेक्ट, दूसरा टेक्निकल एस्पेक्ट, और तीसरा मार्केट और मैनेजेरियल एस्पेक्ट्स। ये एनालिसिस करने के बाद हम रेडी हैं अपनी इंडस्ट्री को रजिस्टर्ड कराने के लिए। ये रजिस्ट्रेशन अलग अलग अथॉरिटीज में होता है, जैसे कि DGSND यानी डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सप्लाईज एंड डिस्पोजल्स, RBI यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, और RLA दैट इज रजिस्ट्रेशन एंड लाइसेंसिंग अथॉरिटी। अब बात करते हैं स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के लोकेशन के बारे में, कहां पर इनकी लोकेशन होनी चाहिए। सबसे पहले तो ये समझना जरूरी है कि आज के जमाने में कोई भी ऐसी सिंगल बेस्ट लोकेशन किसी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए नहीं है। हालांकि ये जरूर है कि हाँ, कुछ लोकेशन ज्यादा बेहतर काम करेंगी आपके बिजनेस के लिए एज कंपेयर टू अदर्स, मगर हम ये नहीं कह सकते कि दिस XYZ लोकेशन इज द बेस्ट लोकेशन फॉर आर बिजनेस। ये किस वजह से हुआ, क्योंकि जैसे जैसे डिजिटल कम्युनिकेशन में बढ़ावा हुआ, उसके बाद जो लोकेशन अब से 20 या 30 साल पहले किसी बिजनेस के लिए अच्छा काम करती, अब वो आपके ऑर्गेनाइजेशन के लिए आज के जमाने में बेस्ट लोकेशन नहीं है, क्योंकि डिजिटल कम्युनिकेशन इतना ज्यादा बढ़ चुका है। अब हम आसानी से किसी भी लोकेशन पर रहते हुए किसी भी दूसरी लोकेशन से कम्युनिकेट कर सकते हैं। इन चेंजेस के रिस्पॉन्स में फर्म्स ने अपनी जो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर था उसको मल्टीलेयर्ड कर दिया। मतलब ओवरऑल तो उन्होंने एक ज्योग्राफिकल ऑर्गेनाइजेशनल लोकेशन यूज करा, और जबकि हर एक डिवीजन वाइज अपनी ऑर्गेनाइजेशन में उन्होंने मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशनल लोकेशन को इंप्लीमेंट करा। ज्योग्राफिक ऑर्गेनाइजेशनल लोकेशन जनरली बड़ी कंपनीज में ज्यादा सूटेबल होती है, जैसे कि ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स, जिनको अपना प्रोडक्शन फैसिलिटी ऐसी जगह पर लोकेट करना है जहां पर लेबर कॉस्ट कम मिले, कम आए, मतलब उनको चीप लेबर अवेलेबल हो और रॉ मटेरियल की सप्लाई वहां पर आसानी से उन तक पहुंच सके। मगर उनको ऐसी सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशंस भी चाहिए जैसे कि अपने डीलरशिप्स, वो हर उस जगह पर होने चाहिए जहां पर कंपनीज के ऑटोमोबाइल्स कंपनी बेचना चाहती है। कुछ एग्जांपल में ऐसा भी देखा गया है कि स्मॉलर ऑर्गेनाइजेशन, छोटी ऑर्गेनाइजेशंस भी ज्योग्राफिक ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर से उनको बेनिफिट मिलता है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कोई सर्फ बोर्ड मैन्युफैक्चरर कंपनी है जो सर्फिंग के लिए बोर्ड बनाती है। अब हो सकता है ये अपनी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी किसी बीच टाउन में एस्टेब्लिश कर दे और अपने रिटेल स्टोर्स हर उस सिटी में, हर उस टाउन में एस्टेब्लिश करे जहां पर सर्फ बोर्डिंग लोग ज्यादा करते हैं। दोनों ही जो एग्जांपल हमने भी जिनकी बात करी, ऑटोमोबाइल्स वाला भी और सर्फ बोर्ड वाला भी, उसमें ज्योग्राफिक ऑर्गेनाइजेशनल लोकेशन जरूरी थी ताकि कंपनी की दोनों नीड्स पूरी की जा सके, एक मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी की और दूसरा ताकि अब कंपनी सर्विस प्रोवाइड कर सके दूर दराज के डिविजन्स, टेरिटरीज और रीजन्स के अंदर भी। मगर अगर किसी ज्योग्राफिकली ऑर्गेनाइज्ड कंपनी के पास स्ट्रॉन्ग लीडरशिप नहीं है, या ब्रांड आइडेंटिफिकेशन उसका उतना बढ़िया नहीं है, या फिर उनकी मिशन स्टेटमेंट एक बहुत सोची समझी मिशन स्टेटमेंट नहीं है, तो ऐसी कंपनी सफर कर सकती है, उसको लॉस हो सकते हैं। और बिल्कुल यही हुआ क्रिजलर और फिएट के मर्ज के बाद, जब ज्योग्राफिकल लोकेशन से जुड़ी हुई प्रॉब्लम सामने आने लगी। ये जो मर्ज कंपनी थी उसके हेडक्वार्टर थे लंदन में, क्योंकि वहां पर उनको टैक्स का बेनिफिट था, उनकी मैन्युफैक्चरिंग बहुत सारे देशों में थी, और उनके आपस में एक मतभेद हो गया, इंटरनल डिसएग्रीमेंट हो गया, क्योंकि उनकी लीडरशिप इटालियन थी और उनकी सेल्स डिवीजन अमेरिकन। तो आइए देखते हैं क्या था ये क्रिजलर फिएट एग्जाम्पल। बहुत सारी अमेरिकन सिटीज के अंदर फिएट और अल्फा रोमियो गाड़ियां जो है उनकी सेल का ज्यादा एक दूसरे से कनेक्शन नहीं था, फिजिकली भी और साइकोलॉजिकली भी, और दोनों के शोरूम डॉज जीप क्रिजलर शोरूम से काफी दूर दूर लोकेटेड होते थे। हालांकि फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशनल लोकेशन में यह रिक्वायरमेंट था कि जो अमेरिकन मिडिल मैनेजमेंट है वो सारी इन तीनों डिवीजन, मतलब अल्फा रोमियो, फिएट और जीप क्रिजलर, तीनों डिवीजन को ये अमेरिकन मिडिल मैनेजमेंट रन करे, मैनेज करे। मगर जो लंबे समय से डॉज जीप क्रिजलर एम्प्लॉयज थे, जिनको जनरली आदत थी डॉज के रैम ट्रक्स, बहुत बड़ी बड़ी देखने वाली जीप्स और दूसरे लार्ज व्हीकल को बेचने की, वो जनरली फिएट्स और अल्फाज जैसी गाड़ियों को बेचने में इंटरेस्टेड नहीं थे। इसी वजह से फिएट की एक गाड़ी आई, फिएट 500e, जो कि एक पूरी इलेक्ट्रिक व्हीकल थी, और पेपर पर अगर उसका प्लान देखा जाए तो वो लगता था कि वो काफी उसकी सेल होगी, मगर एक्चुअल में उसका सेल्स का नंबर बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटिंग रहा, क्योंकि ज्योग्राफिकल लोकेशन की वजह से इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इंटरनल डिसएग्रीमेंट बहुत ज्यादा हो गए थे। इस सेशन को यही माइंड अप करेंगे और नेक्स्ट सेशन में यहीं से कंटिन्यू करते हुए देखेंगे क्या क्या स्टेप्स हैं जिनको यूज कर कोई एंटरप्रेन्योर स्मॉल इंडस्ट्री को स्टार्ट कर सकता है। तो बने रहिएगा मेरे साथ फॉर दिस नेक्स्ट सेशन। टिल द टाइम वी मीट नेक्स्ट, इट्स मी अमित शर्मा साइनिंग ऑफ। बाय बाय एंड टेक केयर। थैंक यू सो मच।